हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो अनुज में। तो आज मेरे पास है होंडा एक्टिवा आई, तो आज मैं इसकी कराऊंगा 10th सर्विस। 10th नहीं, शायद 7th या 8th होगी, तो वो मैं कराऊंगा आफ्टर मार्केट। क्या प्राइस पड़ेगी, क्या कॉस्ट पड़ेगी वही मैं बताऊंगा। स्कूटी चल गई 24,000, मीटर का तार ख़राब है वो भी ठीक कराना है, हेडलाइट का बटन ठीक कराना है। तो चलो चलते हैं, ऐसे ही किसी लोकल शॉप पर पहुँचते हैं। चलो फिर 1 2 3। तो सबसे पहले हमारी सर्विस, स्कूटी की सर्विस स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले इसका एयर फिल्टर होता है वो क्लीन होगा, तो वही इसके लिए साइड के स्क्रू खोलने पड़ते हैं। तो वही स्क्रू खोल रहे हैं अभी ये भैया, ये खोल ही रहे हैं। इस स्कूटी में थोड़ी दिक्कत होती है, इसका जो साइड के पैनल होते हैं वो खुलते नहीं है, और जो एक्टिवा के देखे तो उसका पूरा पैनल खुलता है, तब फिल्टर खोलना आसान होता है। तो वही खोल रहे हैं। एक फिल्टर होता है कितनी बार की क्लीन होता है, क्लीन होता है नहीं, अगर ज़्यादा गंदा होता तो साफ भी हो जाता है। तो वही देखते हैं अभी, क्लीन हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो चेंज ही करवा लेंगे, जल्दी खुल जाए बस। ये मैंने अब तक इससे पहले एक बार ही चेंज हो चुका है शायद, देखते हैं अभी जल्दी हो जाए बस। जैसे बहुत धूल निकली इस फिल्टर में, मेरे ख्याल से शायद ही ये लगेगा, चेंज होगा ही शायद ये। एक बार इसको फिल्टर से क्लीन करेंगे, प्रेशर वाली हवा मारेंगे इस पर, देखते हैं इससे कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं। ये हवा मार रहे इससे, पर ये कुछ ज़्यादा ही गंदा है, तो मैं कह रहा हूँ चेंज कर दी दो, कुछ ज़्यादा ही गंदा है इससे स्कूटी। ये देखे कितना गंदा है, ऑयल तक आ जाता है इसमें, तो इसलिए मैं इसको चेंज ही करवा रहा हूँ। देख लो कितना गंदा है, तो चेंज करवा लेते हैं। तब तक मैं ये अपने नया फिल्टर निकाल रहे, मैं ब्रेक टाइट करवा लेता हूँ। ब्रेक टाइट हो रहा है आगे की। अभी तक मैंने इतने साल जो हो गए स्कूटी को, मैंने सामने ये जैसे इस बॉक्स में होता है ये एयर फिल्टर, इसके अंदर दो, ये रहा मेरा नया फिल्टर। इसकी कॉस्टिंग बताऊंगा, सबकी कॉस्टिंग आखिरी में बताऊंगा कितने की है क्या है। तब तक ऑयल निकाल लेते हैं। चलो ये ऑयल एक निकाल सौ रहे चालीस हैं, तो ऑयल देखते हैं कितना बचा है स्कूटी में। कुछ ज़्यादा ही, मैंने 2-3 हज़ार के करीब स्कूटी चला दी मैंने, सर्विस कराई नहीं, खत्म था तो मेरे ख्याल क्या से ऑयल इतना ही है इसमें, ऑयल ख़त्म ही हो गया बिल्कुल ही। भाई ये सर्विस करने वाले भैया भी कह रहे भाई ख़त्म पड़ा है ऑयल, कुछ नहीं था, बस सही टाइम पर आ गए। चलो कोई नहीं, तब तक ऑयल निकल रहा है, तब तक नया ऑयल देख लेते क्या है, कौन सा है। इतना ही ऑयल है, तब तक फिल्टर लगा रहे। ये देखो साफ़ किया, ये फिल्टर लगेगा, ये नया फिल्टर। सबकी कॉस्टिंग बताऊँगा आखिरी में, उनको आफ्टर मार्केट कैसे करें, कितने सस्ता से सस्ता बढ़ सकता है, किस तरीके से आप अपने पैसे बचा सकते हैं। तो इसको चलो लगा देते हैं, जल्दी से लगवा लेते हैं। अगर आप शोरूम में जाते हैं तो 500 के करीब, 450 या 500 उनका सिर्फ लेबर चार्ज होता है, वो आपका बचता है। इतने में आफ्टर मार्केट पूरी सर्विस हो जाती है, अगर मैकेनिक अच्छा देते हैं आपकी स्कूटी भी सही चलेगी। कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे मैकेनिक के पास जाएँ, भरोसेमंद मैकेनिक को। जल्दी जल्दी स्क्रू लग जाएगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कोई बात नहीं, पूरा हम कट नहीं करेंगे यहाँ से। स्कूटी जो है होंडा एक्टिवा 4 साल पुरानी है, बिल्कुल वेल मेंटेन है स्कूटी। लगवा लेंगे, लगवाएंगे। लग रहा है अभी स्क्रू, 4-5 स्क्रू होते थे इसमें। मेरे को इसमें आगे हेडलाइट का बटन भी चेंज करवाना है, तो वो भी चेंज होएगा अभी। मीटर का तार, और ये पेट्रोल ज़्यादा पीती है इसके लिए मैंने बता दिया, तो उन्होंने कहा ये एयर फिल्टर की दिक्कत थी, इससे सार ठीक हो जाएगा, और साथ में बस कुछ नहीं। और थोड़ा सॉकर में दिक्कत है, मेरे को सॉकर वाले को दिखाने पड़ेंगे, बहुत आवाज़ करता है जैसे जब गड्ढे में जाती है। तो 4 साल हो गए शायद इसका सॉकर में दिक्कत, चेंज करवानी है। वही कह रहे क्या वीडियो बना रहे हैं, मैकेनिक कर गया। चलो 5 स्क्रू हो गए, तो ऑयल निकाल लेंगे टेढ़ा करके अच्छे से, 4 आवर निकल गया, तो इसमें ऑयल डालेगा अपना नया। चलो ऑयल निकाल देते, नीचे से बोर्ड लगा दिए, तो ऑयल में इसमें जो मेरे पे ऑयल था वो कम पड़ा, तो उनसे मैं नया ऑयल ले रहा हूँ, वो ऑयल मांग रहे, तो चलो मैं उनसे ऑयल दिखाता हूँ। तो ऑयल मैं डला रहा हूँ HP रेसर, तो ये इनके पास अभी किसी वजह से वही था, नहीं तो मैं हमेशा कैस्ट्रोल डलाता हूँ। तो मेरे को ये इसकी भी कॉस्टिंग आखिरी में बताऊँगा कितने का पड़ रहा है। हर बार मैंने अपने में कैस्ट्रोल डलाया, जिनके पास था यही था, तो
ही डलवा रहे हैं। HP रेसर क्या, तो ये भी सही होता है, 1500-2000 ये भी चल जाएगा आप आराम से। पर एक फ़र्क है, ये हरा है और कैस्ट्रोल का लाल था। हाँ ये भी है, कोई लेकिन बात ज़्यादा नहीं, ही कम हो गया था आपकी बार तो ये ऐसे। मेरे से ये कुछ पूछ रहे हैं। और लाल हरा ना, था तो वो मैंने वही लाल है, पूछा कि वो पहले जिसमें वाला काले लाल रंग था का या है। हरा, क्यों, तो वही बता रहा है सी अच्छा चल जाना अपनी उसमें। भाषा में, एक पनीर इजी खाया, एग्जांपल पनीर दे में रहे। सफ़ेद है ना, चलो कोई उसमें नहीं, शाही पनीर, शाही पनीर खाया कैसा होगा, ग्रेवी ला थोड़ा लाल में हो जाता है। कोई बात नहीं, भैया भी अपना एग्जांपल दे रहे, तो वही भैया कुछ अपना पनीर की सब्जी वाला एग्जांपल दे रहे। और डलता है ये 900 ml का होता है, 240, इसमें डलता है 800 ml, तो 100 ml मेरे पे बचेगा, मीटर तो क्या, उसको मैं अपने बचे हुए में डाल दूंगा। मैं अगर तो ऐसा उसके कोई तार से दिक्कत हो नहीं जाएगा ना होगा, दोनों, मिक्सर में से किलोमीटर का कुछ भी और नहीं होगा, स्पीड वाला तो भी। कोई नहीं, हम मिक्स कर लेंगे, स्पीड अगली बताता सर्विस में है। हमारा हो जाएगा उससे। हाँ चलो फिर वो और लाइट जल्दी बल्ब से भी डल देखना जाएगा है बस। बारिश का। फिर इसके बाद हमारा मीटर का तार चेंज होगा, तो इसके लिए हमारे का सामने से पूरा फेस खोलना पड़ेगा, पूरा फेस खुलेगा। चलो कोई नहीं, खुलवा लेंगे, वो भी ज़रूरी है मीटर का तार, किलोमीटर भी रुके हुए हैं और स्पीड भी नहीं दिखती सही से। और उसके बाद एक हेडलाइट का बटन भी होगा, वो भी करा ही लेंगे, हाई बीम लो बीम वाला, सही से नहीं चलता है। जल्दी जल्दी ऑयल पूरा धीरे धीरे जाता है, ऑयल नीचे से एयर नहीं बनती ना, तो छोड़ देना वो और थोड़ा ऑयल थोड़ा गाढ़ा छोड़ होता है, देना, इसीलिए नहीं जा रहा है इससे। मैंने कहा ये लो बच गए, ये है मेरा HP रेसर, अभी मैं मीटर के तार के लिए सामने का फेस खुला है। इतने साइड में भैया इनका साइलेंसर अचानक से, पता नहीं से एक्सीडेंट में इनका साइलेंसर टूट गया, जैसे कि देखिए दिख रहा होगा, तो इनका लगने से पूरा हिट हुआ है ना, तो उसकी चूड़ियाँ तक टूट गई। ठीक है, ये रहा सामने से मीटर का तार चेंज हो, वो जिस बीच में सेंटर में उसमें मीटर का तार लगेगा, तो नीचे से वो लगा रहे मीटर का तार। कम से कम मैं भी तो ना 2000 के करीब चली गई बिना मीटर के तार के। मैं ऐसा हुआ सर्विस करा के आया था जो 500-600 चली, उसके बाद मीटर का तार खराब, तो मुझे सोचा अगली सर्विस में मैं चलो बाद में करा लूँगा, लेबर कॉस्ट लगता है सर्विस में, ये फायदा है लेबर कॉस्ट का चार्ज नहीं लगता। देखिए पहिया घूमने के, तो बताना कोई लगा रहा हूँ सामने के दोनों शीशे, बस लगेगा, तो बस हमारा काम यहीं पे हो गया डन। मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ। तो जैसे कि देख लो सारा काम मैंने कंप्लीट करवा लिया है। ये देखो सबसे पहले तो देख लो स्कूटी सर्विस ओके हो गई। ये मैं रात को शूट कर रहा हूँ 1 बजे करीब, ये मेरे से वीडियो डिलीट होगी तो वापस शूट कर रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले कि स्विच चेंज होना था, स्विच चेंज हो गया। ये इसकी कॉस्टिंग पड़ी मेरे को 40 रुपये, 40 रुपये स्विच का। अब मीटर का एक वायर था, तो जैसे कि ये वाला मीटर का वायर है, ये बड़ा नया सा है, ये इसकी कॉस्टिंग पड़ी 100 रुपये। 100 रुपये का ये मीटर का वायर, 40 रुपये का ये, और जो लेबर चार्ज था वो लगा 100 रुपये। बाकी गियर ऑयल चेक किया, गियर ऑयल पूरा था, तो गियर ऑयल भी हो गया। गियर ऑयल डालना नहीं मतलब था, इसमें तो डालने की जरूरत नहीं पड़ी। और बाकी इंजन ऑयल डाल दिया, इंजन ऑयल की कॉस्ट पड़ी 240, 100 रुपये लेबर चार्ज, और बाकी सब मीटर भी चल गया। बाकी पूरा कंप्लीट यही है, धुलाई मैंने नहीं है बस।